हमें अमेरिका में 3 महीने हो चुके हैं, हमने कोई फर्नीचर वगैरह नहीं लिया और ऐसे ही रह रहे हैं सिंपल तरीके से। लेकिन अब हम बेड लेने आए हैं और दूसरा फर्नीचर एक केटी के एरिया में 99 हाईवे के बराबर में ही है और दोस्त ने बताया था कि ये थोड़ा सा बेहतर भी है, रिजनेबल भी है। तो देखेंगे कि किस तरह से यहाँ फर्नीचर कितने प्राइस पर मिलता है। ये अंदर जाने का मेरे ख्याल इधर से रास्ता है, तो आज फर्नीचर वगैरह देख के फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। ये बेड देखें, सेकंड फ्लोर पे है, बहुत बड़ा ये आउटलेट है यहाँ। देखें कितनी चीज़ें हैं, यहाँ का अगर घर मिल गया ना तो इस तरह की कॉम्बिनेशन करेंगे इंशाल्लाह। ये वाला नहीं तो ये वाला तो बेहतर लग रहा है। आप बताएं कि कौन सी चीज़ आपको बेहतर लग रही है। मेरे ख्याल में वो कलर अच्छे हैं, रेड वाला भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये होता है घर, नए घर में अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट का फर्नीचर मेरे ख्याल में नहीं है। अपना घर हो तो उसमें इस तरह का फर्नीचर अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन भी होगी। बहुत महंगा फर्नीचर है, 1899 में, और कैश पे जो है ना फायदा पड़ रहा है। चलें ऊपर, ऊपर बेड पड़े हुए हैं तो ऊपर जाके देखेंगे हम। कीमत बहुत महंगी महंगी है इन चीज़ों की। ओह माशाल्लाह, देखें यार इधर तो किंग साइज बेड मिल ही नहीं रहा। मेरे ख्याल क्वीन साइज ही आएगा हमारे अपार्टमेंट में। एक से एक चीज़ें पड़ी हुई हैं, 3-3 लाख रुपए का एक बेड। हिल रहा है बहुत, इस वक्त तक का सबसे महंगे में महंगा यह है। अभी मैट्रेस का है, पूरा पोर्शन है, मैट्रेस देखने आए हैं। तरह तरह के मैट्रेस हैं। अभी इसको ये पसंद आ गया है, देखो ना कैसी कैसी हरकतें कर रही है। कह रहे हाइड एंड सीक का भी है, ये भी है, फलाना है। कहाँ जा रहे हैं? आ जाए आ जाए आ जाए, वापस वापस आ जाए। बेड सारे यही हैं, बच्चों के बड़ों के, महंगे बहुत हैं। क्वालिटी उस तरह की नहीं है जिस तरह से हमारे पास होते हैं, लेकिन
जल्दी आ जाना। ये आ गया, इसको मजा। ये बच्चों के सारे मुख्तलिफ क्वालिटीज के बेड जो है ना, किस तरह से बने हुए, जैसे परिंदों के आशियाने नहीं होते, इस तरह से ये इन्होंने बनाए हैं अट्रैक्ट करने के लिए। ये पूरा पोर्शन बच्चों का है और इसके साथ मैट्रेस है। हाँ, ये वाला सही है आपके लिए, सोकर पाकिस्तान पहुंच जाओ। ये फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे हम और वहाँ वो अवेलेबिलिटी चेक करेगी, अगर है तो अभी से ही हम देख के निकल जाएंगे, है ना। हाँ चले, वन 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 वन। त्यार सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, बस बंदा लेके चला जाए। सही है, वो चेयर है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा सपोर्ट नहीं है पीछे से, बैक सपोर्ट, लेकिन अच्छी लग रहा है, अच्छी चेयर है, ये भी बेहतर लग रहा है मुझे तो। फर्नीचर बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा पड़ा हुआ है, मतलब कलर ये वो आउटस्टैंडिंग काम है, उसकी लाइफ क्या है ये मालूम नहीं, 1.25 लाख से के करीब का है ये 1.25 लाख फर्नीचर। यहाँ जो भी ले रहे हैं ना, हमारी करेंसी की वजह से ये ज़्यादा महंगा पड़ रहा है ना। पर्सनली ना मैं इस तरह की चेयर्स जो है ना पुरानी पसंद करता हूँ, बहुत कंफर्टेबल है और कोई फील आ रही है, जैसे नहीं होता कि हेड ऑफ स्टेट्स मीटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो इस तरह की चेयर्स होती हैं उनके पास, और ये है भी ईरानी ओनर इसका फर्नीचर स्टोर का। वहाँ झगड़े चल रहे हैं, यहाँ सब साथ हैं, यहाँ से लेके देखो ना, नीचे सोफे हैं और मसाज चेयर्स हैं, ऊपर डाइनिंग टेबल और उसका बेड्स का भी पोर्शन है, और इसके बाद थर्ड फ्लोर पे जो है वो बच्चों के फर्नीचर हैं। अगर हमारी करेंसी कंट्रोल में होती, 100 रुपये डॉलर होता या 115, तो इस चेयर की कीमत 40,000 से ज़्यादा नहीं थी। अभी ही तकरीबन कोई 2-3 घंटे की मथेमारी के बाद हमने फर्नीचर का डिसाइड कर लिया। पाकिस्तानी खातून थी कराची की, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, समझाया भी, लेकिन यहाँ फर्नीचर जो है वो मेरे ख्याल में इतना महंगा नहीं जितने टैक्स लगते हैं ना, तो टैक्स की वजह से थोड़ी सी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और इसके साथ फिर जो डिलीवरी है वो भी ये करते हैं, आपको घर में बेड वगैरह आके फिट करके देते हैं, तो ये आसानी थी, लेकिन उसके चार्जेस इन्होंने बहुत से ले लिए हैं कि भाई हमारी टीम आएगी आपके घर में फर्नीचर सेट करके जाएगी, तो उसके हमें तकरीबन कोई $200, तो 40,000 रुपये हमने उसके अलग पे किए हैं। मैं अपनी करेंसी में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि यहाँ मजदूरी और जो सर्विसेज हैं वो कितनी महंगी हैं, इसलिए ये इतनी ज़्यादा पेमेंट हो रही है। तो अभी फर्नीचर का तो हो गया, हमने थोड़ा बहुत अपने घर को अब सेट करेंगे, और इसके बाद जब भी ये फर्नीचर आएगा तो उस दिन भी आपको मैं दिखाऊँगा कि अब सेटिंग कैसे लग रही है, क्योंकि हमने कोई सेटिंग नहीं की हुई थी। 2 दिन पहले हमने फर्नीचर ऑर्डर किया था, आज वो आ रहा है, तो उस फर्नीचर के हवाले से अब तैयारी कर रहे हैं कि ये हमने वहाँ से एक दोस्त ने दे दिए थे आर्थिक तौर पे, हम भी नहीं लेना चाह रहे थे कि फर्नीचर ले आए, क्योंकि यहाँ फिर
उसको मूव करना बड़ा मसला होता है। तो इनको फिलहाल हमने यहाँ रखा है, कोई मजदूर ढूंढ के ये हम एक स्टोर है गुडविल वहाँ दे देंगे। और ये अभी खाली किया है पूरा, अंदर भी खाली कर रहे हैं, बेड वगैरह लगा रहे हैं। पहले हमारा कोई इरादा नहीं था कि फर्नीचर रखेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल बेड है और बड़ा महंगा भी पड़ रहा है रेंट में। तो हमने चाह रहा था कि टू बेडरूम में जाएंगे, लेकिन वो टू बेडरूम हम यहाँ अवेलेबल नहीं है, और लीज़ जो हमने की है उस लीज़ से पहले वो दे नहीं रहे हैं। जब से छोटी पैदा हुई है तब से हमने उसको कभी भी नीचे नहीं सुलाया था। तो हम इस तरह से सेटअप करके बैठे हुए थे सिर्फ इसलिए कि हमें टू बेडरूम का अपार्टमेंट मिलेगा तो हम उसमें फर्नीचर डालेंगे और उसको सेट करेंगे, लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। और 2 महीने यहाँ समझे हमें हो चुके हैं इस अपार्टमेंट में, और 1 महीना किसी और जगह पे। तो 3 महीनों के दौरान हम ज़मीन पे सो रहे थे, और ये स्पेस छोटा है तो यहाँ पता नहीं वो बेड आ जाएगा पूरा या नहीं, तो हम इसलिए सेटिंग कर रहे हैं। उससे पहले दिखाऊंगा, जैसे फर्नीचर आएगा सेटिंग भी आपको दिखाऊंगा। अब इनको ना तीसरे फ्लोर पे चढ़ाना है, तो अब तीसरा फ्लोर यहाँ होता तो दूसरा फ्लोर ही है, लेकिन तीसरे फ्लोर पे चढ़ाना बड़ा मसला होता है। मौसम भी बहुत प्यारा है, सर्दी भी नहीं है गर्मी भी नहीं है। बेचारे ये सामान एक ही दो बंदे हैं वही चढ़ाएंगे सारा। अब ये सीढ़ियाँ देखो ना कितनी खतरनाक हैं, अगर यहाँ पाँव फंस जाए तो नुकसान हो जाए। एक सामान लेके आ रहा है, मैं ऊपर इसको गाइड करूँगा। मेड इन मलेशिया से फर्नीचर आता है इनका। इन सोफ़ों को 2 महीने के बाद अलविदा कर रहे हैं, और ये नए वाले आ गए। अब ये नए ये और सेटिंग होगी, हम इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, लेकिन सोफ़े अब ये आ गए हैं, तो आप अब सोफ़ों का थोड़ा सा ना स्टाइल अच्छा लग रहा है। और यहाँ नई टेबल आने वाली है, इधर भी कुछ रखने वाले हैं हम। अब यह है कि घर का एक अच्छा सा लुक आ गया है, और मुझे जो है वो बहुत पसंद है ये कलर, वैसे गोल्ड और ग्रे टाइप का, तो यहाँ से बेहतर लग रहा है। आखिरी मरहला देखिएगा कैसे फूल जाएगा। It's a magic, huh? Yeah, right. तो अभी दिखाता हूँ आपको घर का ये लुक। ओहो, ये देखें। हाँ,
यहाँ काम करूँगा, लैपटॉप पे चार्जिंग वगैरह सब कुछ एक टेबल रह गई है वो आ जाएगी, तो यहाँ मैं अपना काम करूँगा, इधर से व्यू भी देखता रहूँगा। पहले हम नीचे थे तो नज़र कुछ नहीं आता था। बेड का ये लुक आ गया है, रूम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पहले नीचे थे बैठ के, 3 महीने गुजारे, बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन आदत भी रखी कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इंसान को कैसे गुजारा करना चाहिए, तो उसका भी एक बार फिर तजर्बा भी कर लिया। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है, और ये मैंने इसलिए कुशन वाला लिया कि मुझे जो ना बैक पेन होता है काम करने के टाइम पे, लैपटॉप पे, उस पे, तो अब वो भी समझेंगे थोड़ा कम हो जाएगा। और हम और तकिए लेने जाएंगे, बहुत सारे तकिए रखेंगे, थोड़ा खुला खुला भी होगा और पीछे से हमें एक सपोर्ट भी होगी, आगे भी नज़र आ रहा है। पहले जब नीचे सोते थे तो कुछ नज़र नहीं आता था, ये पूरा हमें व्यू अब जो है खिड़की से नज़र आ रहा है। मैट्रेस को हटाऊंगा और इसके बाद हम थोड़ा सा और अच्छी सेटिंग करेंगे। घर की ये सारी सेटिंग आपको दिखा थी, अब इस व्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में और नए किसी काम से, तो सपोर्ट जारी रखें। Thank you so much.